जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में अस्पर्शी ज्ञान ज्योति की जागृति ही धर्म है। मैं चैतन्य ज्योति अपने स्वयं के अस्तित्व को छोड़े बिना अपने से ही प्रज्वलित हूं और अपने में प्रज्वलित हूं। चैतन्य ज्योति की परिपूर्णता का स्वीकार यही देह की गुलामी से मुक्त करता है। देह में जो मैं पने का भाव है और प्रत्येक परिस्थिति में तत्काल यह स्मरण में नहीं आता है, जब चींटी काटती है उस समय तात्कालिक ये स्मरण नहीं आता कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य हूं। तत्क्षण तो यही भाव आता है कि मैं कट रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है। चींटी के काटने की बात तो दूर, मक्खी भी यदि शरीर पर बैठती है तो तत्काल यही लगता है कि मुझ पर बैठी है, क्योंकि जब तक ज्ञान का अभेद रूप से भाव भाषण नहीं होता, अनुभव नहीं होता, तब तक देह की क्रिया में इस प्रकार का कर्तृत्व और ममत्व का भाव छूट नहीं सकेगा। आज तक कभी बिना मिट्टी का ज्योति का अस्तित्व देखा ही नहीं है,
इस वजह से उसी को ही अस्तित्व माना है जो दिखाई देता है। मिट्टी कितनी भी जीर्ण शीर्ण हो गई है, फिर भी उस ज्ञान की ज्योति का विचार करो। परम कृपालु देव की देह रूपी मिट्टी और भीतर में ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान ज्योति सदाई प्रज्वलित है और जागृत है, अनादि काल के देह के संयोग के कारण देह के परमाणु कौन से है उस पर जोर नहीं है। परमाणु मात्र मैं हूं, ये जो मान्यता है बस वह मान्यता मिथ्यात्व है। देह कौन सा है उस पर जोर नहीं है। स्वयं को भूला है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसी कमजोरी का भी जिस स्वरूप में अभाव है, यह चैतन्य स्वरूप ही मैं हूं। जब पर्याय का जन्म और पर्याय की मृत्यु होती है तो ध्रुव तो अलिप्त निराला अपने अस्तित्व में स्थित रहता है। उसी रूप में हे चैतन्य परमात्मा, तो स्वयं का अनुभव कर कि जो ज्ञान की अनादि अनंत यह चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता में ही इतनी रुचि कि जगत में कौन सी पर्याय किस प्रकार से परिणमित होती है उसकी रंच मात्र भी रुचि नहीं। देखा हुआ अब अनदेखा करने का अभ्यास करना ही होगा। जाना हुआ अब अनजाना हो ये तैयारी करनी होगी। तब वहां ध्यान घटित होता है। इस अभ्यास से ही अंतर में ज्ञान 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 का जोर, ज्ञेयों का जोर जितना घटता जाता है उतना ही ज्ञान का बल बढ़ता है, और जितना ज्ञान का बल बढ़ता है उतना ही राग और द्वेष के विकार भावों की वह शक्ति भी क्षीण होने लगती है। इसलिए इस ज्ञान के प्रयोग में आज हम प्रवेश करते हैं। ज्ञेयों को गौण करके, ज्ञेयों को मुख्यता न देकर के, ज्ञेयों के होने पर भी उस जाने हुए ज्ञेयों से कैसे अनजान हो जाए। पूर्व की इतनी धारणा तो बंधी हुई है, संस्कार इतने हैं, संयोग भी उसी प्रकार के है, निमित्त का योग भी ऐसा ही मिला है, और अंदर का जो मिथ्यात्व का भाव भी अभी पिघला नहीं है, और बाहर की जंजाले कम है। ऐसी स्थिति में ये चैतन्य का विचार कर भेद विज्ञान करे कैसे। सुन लेता है, उस समझ तक पहुंचने से पहले ही वो उस तत्व विचार में से बाहर आ जाता है। पानी को आग पर रखता तो है, मगर पूरी तरह से वह पानी जल करके हवा हो जाए उससे पहले ही वो आग से उतार लेता है। वह भेद विज्ञान नहीं होता, वह उस स्थिति तक नहीं पहुंचता, क्योंकि पूर्व की मलिन वृत्तियां इतनी खींचती है, और ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर नहीं होने से वो पूर्व के संस्कार क्षणिक की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे लगता है मैं अपने जीवन से जा रहा हूं, जैसे लगता है मेरे जीवन की मृत्यु हो रही है, क्योंकि जब सांसें चलती है
ये विकल्प भी चलते हैं, ये राग द्वेष के भाव भी आत्मा में चलते रहते हैं, और जब इन भावों का अभाव हो तो वो मेरा चैतन्य जीवन वो रहेगा कैसे, वो स्वीकार नहीं होता। वो लगता है कि मैं ही खत्म हो जाऊंगा, और वह उपदेश भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कपड़े की उस कपड़े पर लगे हुए उस मैल को ही डिजाइन मान करके रखा है, उसे ही कपड़े का अंग मान करके रखा है, उसे कपड़े का सौंदर्य मानकर रखा है, फिर यदि कोई तुम्हें साबुन देगा तो साबुन देने वाला भी वो शत्रु जैसा लगेगा कि कोई ना कोई इसके भीतर में मेरे प्रति द्वेष है, वो मेरे शर्ट को मेरे कपड़े को खत्म करना चाहता है। क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि वह मैल है, तुमने माना है वह डिजाइन है। तो जितने भी विकल्प और राग द्वेष के भाव की उत्पत्ति होती है, जब कोई कहे कि ये राग असार है, वो बोध देने वाला इतना शत्रु जैसा लगता है। क्योंकि उस समय राग की मोह की तीव्रता भी उतनी है। इसलिए जिसे निर्धूम ज्योति की अनुभूति नहीं है, उसके लिए तो धुएं का अभाव होना ही ज्योति का अभाव है। जिसके अंतर में शुद्ध चैतन्य की अनुभूति नहीं है, और इसके लिए निरंतर धारा चाहिए, ये 3 घंटे के सत्संग से कुछ नहीं होता। इसलिए इसके लिए निरंतर प्रवाह चाहिए, और इसी वजह से ये मैंने भाव पाया है। यहां से जब मैं 2 दिन के बाद मैं जाऊंगा गजपंथा में, मैं ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को, ऐसे ज्ञान दीपकों को रोज का 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे इस चिंतन की धारा में जो रहना चाहता है वह आ जाए। इसी प्रकार की धारा में जहां न तुम्हारा मोबाइल फोन होगा, जहां न तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा, जहां न तुम्हारा कोई इंद्रिय विषय का भोग होगा, और निरंतर चैतन्य चैतन्य चैतन्य, क्योंकि ये अनादि काल का जो कचरा भरा पड़ा है, तुम 1 घंटे सुनकर के 23 घंटे अपने परिणामों का निरीक्षण करो, मेरे कहने से भरोसा मत करो। इसलिए इसकी एक निरंतरता, इसके लिए एक नित्यता टिक करके रहनी बहुत जरूरी है। वो बार 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 हथौड़ा पड़ता रहे तब जाकर के वो मिथ्यात्व का पत्थर गलता है। तो 1 घंटे दुकान खोल करके 23 घंटे घर पे सो जा, और ये सपने देख कि मैं करोड़पति हो जाऊंगा। लोक में तो ऐसा करता नहीं है, वहां तो सुबह से लेकर के रात, और दीपावली का समय ये तो 2-4 घंटे ज्यादा ही बैठता है। त्योहार के नाम पर छुट्टियां नहीं मनाता। मगर दुख की बात है कि हम त्योहार के दिनों में ही इंद्रिय विषय के भोगों में इतने मस्त हो जाते हैं, वो स्वरूप की साधना की जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, भेद ज्ञान और तत्व विचार की जितनी जरूरत है, उस समय विचार ही नहीं आता है। ज्ञान 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 की निरंतर ऐसी नित्य ये चैतन्य सत्ता। इसलिए जिन्हें भी सम्यक दर्शन हुआ, बेंसरी बेन को सम्यक दर्शन हुआ, एक अंदर से ऐसा बल आया, दिन रात विचार चलता था। भाई पूछते थे सम्यक दर्शन कितना दूर है, अंतर में सब एहसास होता था कि अब अंदर में चिंतन, भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान, हर एक क्रिया में भेद ज्ञान चलता है। जैसे ही बेहोश हो कोई जगाने वाला भी तुम्हें चाहिए, जैसे ही तुम्हारे चित्त में कोई वृत्ति उठे और व्यर्थ के विकल्प हो कोई तुम्हें खींच करके वापिस लेके आ जाए, जो पता है कि इतने दूर चले गए कि वापिस लेकर के आ जाए। और वही प्रत्यक्ष गुरु है। बच्चे को मां देखती रहती है, खाना बनाती है, बच्चा पास में खेलता है, मां कुछ भी नहीं करती, खेलता रहता है बच्चा,
मगर जब मां को पता चलता है कि वो उतना दूर चला गया है कि कहीं कुएं में गिरेगा, कहीं रास्ते पर सड़क पर चला जाएगा, अब मर जाएगा, अकस्मात होगा, तो तुरंत ही मां फिर उसे जाकर के खींच करके लेके आ जाती है। जब तक वो खेलता है तब उसे कोई विरोध नहीं है, जब पता चला कि अब उतनी दूरी तक चला गया, अब उसे पकड़ के लाना जरूरी है। और अकेला बच्चा हो तो वो कहीं पर भी भटकेगा, उसे मां की जरूरत है। ये प्रत्येक सदगुरु के योग में रह करके ये दशा प्रकट हो सकती है। इस भाई को जगा दे, भाई ये सो रहा है। उसके है ना खर्राट है, वो दुनिया को सुनाई देते। ये चैतन्य तत्व की जागृति, ये सोए हुए लोग हैं, इन्हें चैतन्य तत्व से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो जिंदा शेर हूं जो गर्जना करके तुम्हें जगाता हूं। इसलिए श्रोता की अब मुझे जरूरत नहीं है। मैंने इस बार शिविर में किसी को कहा नहीं, पधारिए पधारिए पधारिए, आइए, बहुत सत्संग होगा, कुछ नहीं कहा। आपको अपने घर पर बैठने दिया, यहां तक कि आज दोपहर में कमरे में जहां बैठा वहां भी किसी को नहीं आने दिया, क्योंकि कोई सोए और खर्राटे ले सत्संग में सभी 200 लोगों को परेशान कर। इसलिए ऐसे जीवों को मैं आमंत्रण देता हूं जो सुबह से आंख खुलते ही, और ऐसे लोग हैं जो पंजाब में थे, चंडीगढ़ में हैं, राजस्थान में हैं, जो आ चुके हैं जहां गजपंथा में, मैं उन्हें आमंत्रण देता हूं, अब बहुत हो चुका, अब आ जाओ। एक ही चैतन्य का चिंतन, उस परिवार को तुम वहां पर ही छोड़ करके एक आत्म साधना के लक्ष्य से आ जाओ, कि जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये एक घंटे सुनने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ये गुरुदेव का प्रवचन नहीं है जिसे लोग एक घंटे सुनने जाते थे और 14 घंटे दुकान चलाते थे। एक शेर गर्जना करके तुम्हें पुकार रहा है, आ जाओ भगवान आ जाओ। एक फकीर तुम्हें बुला रहा है कि फकीर की जिंदगी जीने के लिए आ जाओ। उस स्मशान की चिता पर सोकर के वेद ज्ञान का अभ्यास कर, और इस देह के बैर बिखेर होने पर भी ज्योति को तू अखंड ज्योत के रूप में देख सके। 2 दिन और है, आज 13 तो हो गई, परसों शिविर खत्म होगी, उसके अगले दिन मैं यहां से जाऊंगा। तू जाग, तू सिर्फ सुनने में संतुष्ट मत हो जा। यदि तू परिभ्रमण से इतना थक चुका है, यदि तू संसार के इन रिश्तों से इतना थक चुका है, यदि ये दीपावलियों को मनाते मनाते भी तेरा मन यदि अब भर गया है, तो अब वह समय आया है कि भीतर की दीपावली मना अब तू। और मैं तुझसे कहता हूं, 2 समय की रोटी की फिक्र मत करना, वो तुझे मिल जाएगी। तू आ एक बार, और नहीं मिले तो भी उस साहस को लेकर के आ जा कि मुझे तैयारी है, भूखा रहूंगा प्यासा रहूंगा, मगर इस स्वरूप की अनुभूति के बिना देह न छूटेगा। जो इतना प्यासा है, मुझे बहुत दिनों से बार बार यही स्मरण में आता है, वह जो एकांत की मस्ती दीवानों के साथ में, एक ही चैतन्य, सुबह उठते ही रात्रि में सोते तक वही भेद ज्ञान, वही धारा, वही एकांत, जहां न कोई विकल्प है, कब खाना खाया, कब पानी पिया, कब उठा, कब सोया, कहां बैठा, कैसे रहा, कुछ नहीं। और जो भी चलता है उस जगत की लीला को मुफ्त में देखने का मजा कुछ और है। उस जलती हुई लकड़ियों में, उस जलते हुए मांस में, जलती ज्योति मात्र को देख करके ज्ञान ज्योति का स्मरण हो जाए, उस साधना की अपूर्व घड़ी है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सिर्फ वाणी को सुनने तक सीमित मत रख,
तू असल में दीपावली मना। और जो भी मैं तुझ परमात्मा से कहता हूं उसे सुनकर के ना हा कह ना कह, सिर्फ अंदर में विचार कर क्या मेरा कहना यदि यह सत्य नहीं है तो सुनना छोड़ दे। और तुझे लगता है कि हां सच तो यही है कि एक घंटे सुनकर के फिर विषयों में जब जाते हैं तब हालत बहुत बुरी हो जाती है। सौगानी जी को जब सम्यक दर्शन हुआ, बीवी बच्चों को लेकर के वहां नहीं बैठे, वो उस एकांत में कमरे में बैठे। परम कृपालु देव ने जब पाया वह एकांत में इडर की गुफाओं में, काविठा में, बांधनी में, उत्तर संडा में, नडियाद में, अगास में, धर्मपुर, जहां जहां परम कृपालु देव का विचरण हुआ। और गुरुदेव ने जब उस साहस को दिखाया तो स्टार ऑफ इंडिया का मकान अकेले चले थे, कारवा तो बाद में जुड़ा। ये एक अपूर्व साहस है, तू साथी संगियों को लेकर के इस साधना में यहां आने के लिए ये विचार मत करना। साहस दिखा करके कि अब मैं दुनिया के लिए नहीं हूं, मुझे इस चैतन्य तत्व को पाना है। मगर ऐसे विरले कहां मिलते हैं, ऐसे दीवाने कहां मिलते हैं। वही का वही हाल होता है। ये तो तुम्हें प्रेरणा देने के लिए तुमसे कहता हूं, होगा आज नहीं कल होगा, होगा होगा, मगर सुनकर के प्रयोग कब होगा, साहस कब दिखाओगे। करो चलो, ये निरंतर नित्यता टिकी रहे, ये ज्योति नित्य है, तो भेद ज्ञान नित्य क्यों नहीं है। इसलिए ज्ञानी का जो भेद ज्ञान है वो 24 घंटे है। जो थका हुआ, जो हारा हुआ उस जीव के लिए कि बस कोई मिल गया मुझे, मैं कहां दर दर की ठोकर खाता था, इस द्वार पर गया, उस द्वार पर गया, सभी द्वार से मैं खाली हाथ वापस लौटा। अब बहुत हुआ, मैं सब जगह हाथ फैला करके थका। जब रुपये हाथ में आए तो रुपये के लिए हाथ फैलाया, जब रसगुल्ला आया उसके लिए हाथ फैलाया, जब कोई भी इंद्रिय के विषय तुरंत ही मैंने हाथ फैलाया, हाथ फैलाया, मगर भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा, उसका प्रमाण ये हाथ है। कुछ भी हाथ में नहीं है तो जो पहले हाथ में था वो किधर गया। जब इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि हाथ में कुछ नहीं है तो अब मैं उस स्वरूप में क्यों स्थिर होने को पुरुषार्थ नहीं करता। अब तू उसका जोर ला, भूतकाल के बोध को आधार बना करके चैतन्य के जोर से अब निरंतर तत्व विचार। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की जलती ज्योति। जलती ज्योति का अर्थ ही यह है कि ज्ञान की अखंड सत्ता इन विकल्पों को छुए बिना अपने में जानना 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 रूप होकर के भी वह टिकी रहती है। ये भाव मुझे तुम परमात्माओं के प्रति अत्यंत करुणा के कारण आता। बार बार आधी रात को जब कोई बाप अपने बेटे को जगाता है, वो बेटे का दुश्मन नहीं है, वो इतना हित चाहता है और तुम गहरी नींद में सो रहे हो। और इस बात को बोलने की तुम मुझे अनुमति दो कि तुम्हें सोना ही है, तुम्हें जागना ही नहीं है। सत्य तो यही है, जो जागना हो वह तो बिन जगाए भी जग जाता है, जिसे जागना है वह तो सातवें नरक में भी जाग जाता है। जिसे जागना है, कौन थे परम कृपालु देव के प्रत्यक्ष गुरु, कौन थे पूज्य गुरुदेव श्री कान्हाई स्वामी के प्रत्यक्ष गुरु, जिन्हें हम प्रत्यक्ष वत समझते हैं,
उनके प्रत्यक्ष गुरु कौन थे? और आगे आगे जाओ, सभी मुनिराजों को देखो, अमृतचंद्र आचार्य के प्रत्यक्ष गुरु का नाम क्या था? उमा स्वामी के प्रत्यक्ष गुरु का नाम क्या था? और ऊपर ऊपर जैसे तुम जाओ, जब जैसन आचार्य का नाम आता है तो जैसन आचार्य के प्रत्यक्ष गुरु कौन थे? जब इतने महान प्रकांड विद्वान मुनि नेमीचंद्र आचार्य का नाम आता है, उनके प्रत्यक्ष गुरु कौन थे? बनारसी दास जी के प्रत्यक्ष गुरु कौन थे? मैं ये सभी के दृष्टांत इसलिए देता हूं कि जिसको जागना है वो तो बिना जगाए भी जग जाता है, और तुम नहीं जागते क्योंकि तुम्हें जागना नहीं है। जागो, हम अब उस दीपावली को मनाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, समय कम है इसलिए एक साथ में बहुत 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 भाव आते हैं। समय कम है और मन की मन में रह जाती है, कितनी भी भावना भाए मन की मन में रह जाती है। भाव जो आता है, चिड़िया को सात तत्व के नाम बोलना नहीं आता, मगर चिड़िया को सात तत्व की श्रद्धा है। इस बात को मुझे आज रात को चिड़िया को समझाना था, सात तत्व के बारे में वो सत्संग अधूरा रह गया। उस चिड़िया को मैं जो बताने वाला था वो मैं आपको बताऊं संक्षिप्त में, कि उसे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये बोलना नहीं आता, मगर उसके अंदर भी ये सात तत्व की श्रद्धा किस प्रकार से होती है उसे तो ये भी पता नहीं है कि मुझे चिड़िया कहते हैं, मगर उसके अंदर वो तत्व की जो श्रद्धा है, वो जीव की श्रद्धा, अजीव की श्रद्धा, आश्रव बंध की श्रद्धा, संवर निर्जरा मोक्ष की श्रद्धा, वह जो अंतर में मान्यता में जो पड़ा है वही आत्मा के संबंध में है। जैसे चिड़िया को भूख लगी है, तो जिस समय भूख लगी तो उस समय उसकी श्रद्धा है कि भूख मुझे लगी है, बाकी की चिड़िया है उसके साथ में कोई संबंध नहीं है इस भूख का। उसे जीव की भी श्रद्धा है, स्वयं की भी श्रद्धा है और पराये की भी श्रद्धा है चिड़िया के रूप में। देह के रूप में वो मानती है मैं चिड़िया हूं, माने मैं देह हूं और यह भूख मुझे लगी है, मुझे भूख लगी है। जब वो चौच में वो अनाज के दाने को लेती है तो मुझे भूख लगी है, वो स्वयं की श्रद्धा है, और बाकी को नहीं लगी। लगी हो तो लगी हो, मगर ये भूख मेरी है, दूसरे की नहीं है। उसे स्व की भी श्रद्धा है, पर की भी श्रद्धा है, उसे जीव की भी श्रद्धा है, अजीव की भी श्रद्धा है, और ये भूख लगी है ये रखने जैसी नहीं है, इसे दूर करने जैसी है। ये भूख रहे ये योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। उसे आश्रव और बंध तत्व की श्रद्धा है, छोड़ने योग्य क्या है वो उसकी श्रद्धा में है। और अनाज के दाने को ग्रहण करना है वो उसकी श्रद्धा है, तो एक साथ में सब खा करके पेट नहीं भरेगा, तो एक दाने को लिया दूसरे दाने को लिया, लक्ष्य है पूरा पेट भरने का, मगर वो एक एक दाने को ग्रहण करती है। वो आंशिक रूप से भूख मिटाती है, आंशिक रूप से उसका मतलब ही संवर निर्जरा है, और पूर्ण रूप से भूख का मिट जाना, पूर्ण रूप से संसार का मिट जाना वही मोक्ष है। पेट पूरा भर गया, वो चिड़िया को एहसास होता है कि बस मेरा पेट भर गया। ये सम्यक दर्शन नहीं है, फिर से कहता हूं,
ये चिड़िया को भी देह के संबंध में ये सातों तत्वों की श्रद्धा है। सिर्फ इतना कि जो देह रूप वो भूख के लिए जो अंदर में मान्यता पड़ी है, वही मान्यता रागादि विकारी भाव और मोह के भाव को छोड़ने के संबंध में भी उस चिड़िया को उसी प्रकार का भाव होता जो सम्यक दर्शन पाती। वो भले चू 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 कहती है, भले उसे जीव नहीं बोलना आता, वो जीव के लिए चू कहती हो, अजीव के लिए भी चू कहती हो, मगर उसे सब समझ है कि क्या करना है, स्वयं को कैसे बचाना है। वो उसी प्रकार से उपयोग को बचाती है, जैसे सामने से बिल्ली आई और चिड़िया ने देख लिया बिल्ली को, चिड़िया क्या करती है, उड़ जाती है। सब समझ आ गई उसको। एक मां थी, वो चिड़िया की मां, मां उस चिड़िया को उड़ने नहीं देती थी, कहती थी बच्ची अभी तू बहुत छोटी है, अभी उड़ मत। मगर बहुत जिद करने लगा वह बच्चा कि मां मुझे उड़ना ही है, क्योंकि तू उड़ उड़ करके जाती है और खाना लेकर के आती है चोंच में और फिर मुझे खिलाती है, कब तक यू मेहनत करेगी यू, अब मुझे भी उड़ना है। बहुत जिद बच्चे ने की तो मां ने कहा ठीक है तू उड़ जा, मगर एक बात ध्यान में रखना, तुझे थोड़े पाठ सिखा दूं। कि तू जैसे ही बिल्ली आए, कुत्ता आए, कोई जानवर आए तो दूर से ही आता हुआ देख करके ही उड़ जाना, नजदीक आने का इंतजार मत करना। और एक बात तुझसे और कह दूं कि ये कुत्ते बिल्ली दूर से आते हैं और मारते हैं, मनुष्य जो है वो तो आते भी नहीं है, वो दूर से पत्थर मारते हैं, तो मनुष्य से तो बहुत सावधानी से बचना, क्योंकि वो पत्थर मारेंगे। तो क्या करना कि जैसे ही वो मनुष्य पत्थर मारने के लिए जैसे ही नीचे झुके कि तो उड़ जाना, चिड़िया को बोध दिया, क्योंकि उड़ना सिखाना था। मगर तब चिड़िया ने अपनी मां से कहा कि मां पशुओं के बारे में बता दिया, मनुष्य के बारे में बताया कि जैसे ही कोई मनुष्य पत्थर मारने के लिए जमीन पर नीचे झुके कि उड़ जाना, मगर कोई मनुष्य अपनी जेब में ही पत्थर लेकर के आए और नीचे झुके ही नहीं और पत्थर मार दे तो उसका क्या करना। मां ने कहा अब तो उड़ जा, क्योंकि जो विचार तुझे आया है मुझे अपने पूरे जीवन में नहीं आया, अब तो उड़ने के काबिल हो गए, तेरे अंदर जो विचार है वो विचार, वो उड़ जाती है चिड़िया, उसमें वो है, वो शक्ति है कि बचाना है। और जब सम्यक दृष्टि चिड़िया होती है तो क्या करती है, जैसे सामने से बिल्ली आई और चिड़िया उड़ गई, वहां पर न रही जहां बैठी थी, वहां से उड़ जाती है। ऐसे ही जब चिड़िया में बीमारी आती हो, शरीर में बीमारी आती हो, तो उपयोग जो वहां बैठा था देह में, वहां से उड़ करके उपयोग में समा जाता है। वो चिड़िया उड़ करके पेड़ पर बैठ जाती है जहां सुरक्षित रहती है, मगर सम्यक दृष्टि चिड़िया देह की बीमारी के काल में देह से ही उठ जाती है और चैतन्य के वृक्ष पर बैठ जाती है। वो कौन उपयोग, कौन ध्यान, कौन ज्ञान, कौन श्रद्धान, और परिणति वहीं पर ही समा जाती है। ऐसे ये तो चिड़िया का दृष्टांत दिया। समझना सभी तिर्यंच संगनी पंचेंद्री जिसमें विचार करने की शक्ति है,
कुत्ते में वह शक्ति है, और कुत्ते में तो ऐसी शक्ति है जो मनुष्य में नहीं है। इसलिए मालदीव्स में जब मुझे वहां के एयरपोर्ट पर पकड़ा था माले में इमिग्रेशन ऑफिसर ने, तो 10 लोग थे, वहां के कमांडो भी थे, पुलिस वाले थे, इमिग्रेशन ऑफिसर थे, एक वो कुत्ते के साथ में स्कॉट डॉग वाला वो भी था। और जब उनको पता चला, क्योंकि मेरे पास तो वहां की दिवे ही लैंग्वेज चलती, वहां दिवे ही लैंग्वेज में बोलता था, तो आधी रात को 8 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक पकड़ करके रखा, और सामान कुछ भी नहीं था, अंदर दवाई निकली बैग में से, और वो दवाई भी ऐसी थी सिर दर्द की, पेट दर्द की, तो यहां के डॉक्टर ने दी थी। अब भारत में जो दवाई देते हैं डॉक्टर, वो तो अखबार के पैकेट में देते हैं, तो उसमें तो नाम वगैरह कुछ होता नहीं, तो उनको और डाउट हो गया कि इसके अंदर है क्या। तो मैंने उनको कहा, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, कोई बुरा काम नहीं करता, मैं तो प्रवचन देता हूं, समझाता हूं मानवता के लिए, सदाचार के लिए। और मालदीव्स में उस जगह पर तो माले, हुलुले, हुल्लु माले, ये सब जगह, अब वहां तो पूरे 99% से ज्यादा मुस्लिम। तो मुझे याद आया कि अरब देश में मेरा एक सत्संग हुआ था, जहां सबने बुरखा पहन करके सुना, तो मैंने उस मोबाइल में उनको दिखाना चाहा कि देखो मैं प्रवचन देता हूं और मुस्लिम लोग कैसे सुनते हैं। तो प्रवचन जैसे ही उनको प्ले करने गया कि सुबह से मोबाइल चालू था कि बैटरी 1% थी, प्ले किया कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तब मैंने उनको कहा कि मुझे चार्जिंग करने दो। बोले आतंकवादी को चार्जिंग नहीं करने देते इमिग्रेशन ऑफिस में। तब मैंने क्या किया, एक केबल था, उस केबल को फिर लैपटॉप से कनेक्ट किया और मोबाइल को चार्ज किया, लैपटॉप से कनेक्ट करके बहुत धीरे धीरे चार्जिंग होता। जैसे ही चार्ज हुआ और फिर वो वीडियो प्ले किया, ये सभी ऑफिसर हाथ जोड़ करके, अरे हमने गलती कर दी, ये तो इमाम है, मस्जिद में समझा रहे, ये तो इमाम है। उनको कहो कि गुरुजी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिठाओ अच्छी तरह से, अब तो इनको रहने भी दो, खाने भी दो, खिलाओ अच्छी तरह से, ट्रीटमेंट अच्छी करो। मगर इमाम कहते ही अब फिर उनके भाव बदल गए। फिर उन्होंने रात को 2 बजे वहां की नेशनल लाइब्रेरी में पूरा आयोजन किया। वहां पर 3 दिन के लिए मैं रुका था, मिशन के टाइम की बात है। मगर जब मैं उनको पता चला कि ये तो इमाम है, तब उन्होंने कहा अब हमें आप बोध दो। मैंने कहा दूंगा। अब 10 लोग थे, मैंने कहा 11 को दूंगा। बोले 11 तो है ही नहीं। मैंने कहा ये कुत्ता है ना जो मेरे बैग को सूंघा था, उस कुत्ते को भी बोध दूंगा। बोले कुत्ते को क्या समझ में आएगा। बोला कुत्ते में ज्यादा समझ है आप 10 से, आप में नहीं है जो समझ, वो कुत्ते में है, इस वजह से तो आपको कुत्ता रखना पड़ा, क्योंकि आप में जो ताकत नहीं है वो कुत्ता करके दिखाता है, कुत्ते में समझ ज्यादा है, इसलिए पहला नंबर कुत्ते का, बाकी 10 आपका बाद में। उस कुत्ते को मैंने अपने पास में गले लगा करके उसको प्रेम से जो बोध दिया है, जानवर है वो जानवर नहीं है, वो संगनी पंचेंद्रिय है, उसमें वो शक्ति है। जब वनस्पति जैसी वनस्पति में संवेदना है, ज्ञान है, शक्ति है,
उसे भी फीलिंग्स है, तो ये तो संगनी पंचेंद्रिय है, उसमें विचार, उसमें भेद ज्ञान, उसमें सम्यक दर्शन करने की पात्रता कैसे नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र में तो ऐसे पशु है, ऐसे मछलियां है जो सम्यक दृष्टि है, ऐसे जानवर है जो अणुव्रति है, अणुव्रति तुम्हें लगे उनको क्या समझ में आता है, ऐसे चलते नहीं, घास के ऊपर चलते नहीं, जहां जीव जंतु ज्यादा होंगे ऐसी जगह पर वो हाथी नहीं चलेगा, वो शेर नहीं चलेगा, क्योंकि वहां जीव जंतु है। तो जिस रास्ते पर पहले से बहुत से लोग चल चुके हो, जिस रास्ते पर इतने निशान हो कि यहां पर इतने लोग चल चुके हैं, इतने जानवर पहले चल चुके हैं, वहां अब कोई जीव नहीं है, ऐसे ही रास्ते पर वो व्रति अणुव्रति पशु होकर के वो उसी रास्ते पर चलता है, वो देख करके विचार करके वो विवेक से वो विहार करता है, विचरण करता है। इसलिए वह भाव उमराला में जब पूरी रात भर मेरे हाथ पर सांप रहा था लिपट करके, तो उस समय भी यही पूरी रात भर यही भाव था। पहले तो लगा ये बेल्ट है, मगर जब देखा लाइट चालू करके तो पूरे हाथ में निशान हो गया है सांप का। मगर पहला भाव ही ये आया, पूर्व भव का कोई ऋणानुबंध है, पूरी रात भर उसने मुझे गले लगाया। उसके हाथ नहीं है, गले कैसे लगाए, वो उसके गले लगाने की, वो काटना होता तो एक बार खाली ऐसा करके काट देता, पूरी रात भर साथ में लेटा रहा। ये तो बा को सुबह उठाया कि देखते ही डर गए कि ये आया कहां से, कमरे में तो पूरे कमरे में तो एसी चल रहा है, अंदर मकोड़े को जाने की जगह नहीं है, ये आया कहां से। 30 जून 2012 की साल कुछ थी, साल याद नहीं है मगर 30 जून पक्का याद है। 1 जुलाई को फिर वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि, लोग बोले कि शंकर भगवान का रूप आ गया, तो कुछ रूप नहीं आया, वो पूर्व भव का ऋणानुबंध था, कोई लेन देन वाला जीव आ गया। ऐसे ही और अमेरिका कनाडा में जो लोग रहते हैं उनकी समझ में तो और आसानी से आ सकता है। जानवर के साथ में भी, घर वालों के साथ में इतनी नहीं बनती, ये भी ऋणानुबंध है। यदि परमात्म दृष्टि से ऐसे देखो तो ये ऋणानुबंध है। इसलिए तो कृपालु देव ये कहते थे कि जो मच्छर भी काटने आएगी वही मच्छर क्यों आया है, दूसरा नहीं आ सकता, वही मच्छर, उसी मच्छर को आना होगा, क्योंकि उसी के साथ में पूर्व कर्म की लेन देन थी, वही तो आएगा। यदि दूसरा आ जाए तो उस अकाउंट का क्या होगा। ऐसा अंतर में सभी जीवों के साथ में परमात्म दृष्टि पशु पशु नहीं है, उनके साथ में ऐसे ऋणानुबंध। मैं घूमने जा रहा था और मैंने बैलों को देख लिया, अब किसी ने छोड़ दिया था, अब रोज रोज मैं उन बैलों को देखता था, खेत में बहुत काम कराया और फिर छोड़ दिया, मतलब कि इस दुनिया में स्वार्थी लोगों को ढूंढने जाना थोड़ी पड़ता है, गली गली में है, गांव गांव में है, जब तक काम कर सके बैलों को खेत में हल जोता और काम कराया, जब बूढ़े हो गए तो छोड़ दिया, ऐसे कि इनको बंधन में क्या रखना, पिंजड़े में पंछी को क्या रखना, छोड़ दो। वो रोज मैं घूमने जाता था सुबह तो मैं देखता था उन बैलों को, एक बार ऐसा भाव आया कि इन बैलों का मालिक कौन होगा, कि आश्रम में लेके आ गई, कितने साल तक वो आश्रम में रहे, रोज उनके साथ मुझे लगता था
और आखिरी दिन तक उसको जब वो यहां से कोई लेकर के गए, क्योंकि संभाला जा नहीं पा रहा था, कौन करे यहां पर उसकी सेवा, तो कोई गौशाला या पांजरा पुल जो था वहां लेकर के गए, जहां पहले से ही इतने बैल गाय ऐसे जानवर थे। मगर जब वो ट्रक में चढ़ रहा था, वो गाड़ी में, उससे पहले भी मैंने उसे छू करके जो बोध दिया है, पुराना सब याद नहीं है मगर वो बोध आज भी याद है। ऐसा ही विचरण करता हुआ कोई बैल के साथ में ऐसे ऋणानुबंध थे। ऋषभदेव भगवान याद आए, उनका चिन्ह भी बैल है ना, तीर्थंकर का चिन्ह, और उनका पूर्व भव में जिनके साथ में ऋणानुबंध था वो बैलों के साथ में था ना, वो बैल नहीं है, ये तो तिरछी गति में, तिर्यक गति में, टेढ़ी गति में, तिर्यक गति में, तिर्यंच के रूप में वे जन्मे हैं। कोई टेढ़े काम किए थे कि टेढ़ा शरीर मिला है, मगर स्वभाव टेढ़ा नहीं है, स्वभाव चैतन्य का सदा ऊर्ध्वगमन रहा है, समता रमता उरता, स्वभाव कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। दिए को कितना भी उल्टा करो, ज्योति को कैसे करोगे, ये देह टेढ़ा हो जाएगा, मगर चैतन्य स्वभाव कभी टेढ़ा नहीं होता। कटोरे में जो गुड़ है, उस गुड़ को, कटोरे को बिल्कुल सीधे से उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, मगर गुड़ को उल्टा कैसे करोगे, वो तो मिठास से ही भरपूर है, उसमें उल्टा हो ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रत्येक जीव में हमने जिन जिन त्योहारों को मनाया है, उन सभी त्योहारों को तुम देखोगे, तुम्हें लगेगा हिंसा से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्राण का घात उसमें छुपा हो। सभी त्योहारों को तुम याद करो, फिर दीपावली को याद करो, फिर होली को याद करो, या मकर संक्रांति को याद करो, दशहरा को याद करो, जो मुख्य पर्व है, उनमें करते क्या है। ये दीपावली के पर्व में हम पटाखे जलाते हैं, कितने जीव मरेंगे आप थोड़े दिन के बाद में देखना, 5 दिन के बाद में, अभी जो आपको दीपावली से पहले जो चांद दिखता था, 5 दिन के बाद में थोड़े दिन के लिए दिखना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना वो बारूद, इतना पटाखे की वो जो दुर्गंध वाली जो हवा, उससे आकाश में इतना प्रदूषण इकट्ठा हो जाता है कि कुछ दिनों तक तो आकाश भी नहीं दिखता। और ये बात यहां नहीं, पूरे देश में सब जगह, हम कितने दूर बैठे हैं, वो 555 नंबर का वो जो बम, सुतली बम, जो भी बम है, अब आधे किलोमीटर का फासला है हमारे कान में, यहां पर वो धड़ाके की आवाज आती है तो हमें यहां कैसा लगता है, डर जाते हैं। तो विचार करो कि आधे किलोमीटर दूर है तो भी उस आवाज से ऐसा होता है, तो उसी के आसपास में जो छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होंगे, उनकी हालत कैसी होती होगी, उनके लिए तो जैसे परमाणु बम फूटा। और खास बात तो हम कितने बचते हैं जो पटाखे को जला करके, ये जल गया, जैसे बाती को जलाया और फिर बच्चा क्या करता है, जला करके फिर भागता है, खुद तो भाग जाता है, चलो अबोध है, मूर्ख नहीं कहता, अबोध है, मगर उसका बाप तो अबोध नहीं है ना, वह मूर्ख है। बच्चा अबोध है, बाप मूर्ख है, बच्चे में अभी वह समझ विकसित नहीं हुई, बाप में उल्टी विकसित हुई है। जब वो बच्चा भागता है तब उसको यह नहीं पता कि वहां पर कितने जीव जंतु है, हवा में कितने जीव है, जमीन पर कितने जीव है,
मगर उसे हम त्योहार के रूप में मनाते। दशहरा मनाते तो रावण का पुतला जला करके, उसमें भी हिंसा। हमारी दीपावली में भी पटाखे में हिंसा, दशहरा मनाते उसमें भी हिंसा। हम मकर संक्रांति मनाते तो भी पतंग उड़ा करके, उसमें भी पक्षियों की पंखों को काटना, उसमें भी हिंसा। हमारे पर्व में हिंसा ही क्यों है? यदि होली मनाएंगे तो भी कीचड़ ही कीचड़ एक दूसरे पर उछालेंगे। कोई मर्यादा नहीं, कौन देवर है, कौन देवरानी, कौन जेठ, कौन जेठानी, कौन, सब एक दूसरे के ऊपर। साली है मेरी तो भी उसके ऊपर, वहां कोई भेद नहीं, मर्यादा नहीं। हमारे जितने भी पर्व हम मनाते हैं, ये क्या है? एक ही पर्व है जिसमें कोई हिंसा नहीं, किसी के प्राण को पीड़ा नहीं, वही है पर्युषण महापर्व, जिसको मनाने में एक भी जीव के प्राण को घात न हो। और रत्नत्रय की प्राप्ति से पर्युषण मनाया जाता है। यद्यपि हम भी मना सकते हैं इन सभी पर्वों को आध्यात्मिक रूप में, हम भी ज्ञान दीपक प्रज्वलित करके दीपावली मना सकते हैं। हम भी हमारे भीतर में छुपे हुए विकार रूपी रावण को खत्म करके दशहरा मना सकते हैं। हम भी होली खेले मुनिराज शिखर वन में, मधुवन में, उस तरह से मुनि होकर के होली भी मना सकते हैं। पर्याय की पिचकारी को द्रव्य पर छोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में भी मिथ्यात्व से सम्यक्त्व का संक्रमण हो जाए, संक्रांति हो जाए, ऐसी मकर संक्रांति हमारे जीवन में आ सकती है। मगर हम बच गए। हे ज्ञान दीपक, अहो भाव आता है। ये सब सुनकर एक छोटा सा बच्चा भी जो यहां इस घर में पैदा हुआ है, शुद्धात्मा, उसे भी इतनी तो समझ आई है कि बापूजी ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये तो हमें नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें पता नहीं कितना महापुण्य, कितना महापुण्य बांधा होगा, तब जाकर के रेडीमेड जन्म से ही उस माहौल में जीवन की शुरुआत होती है, वहीं पर ही ये कली फूल होकर के खिलती है। कितना महाभाग्य होगा। इसलिए हमारा तो इतना इतना अहोभाग्य है। आज मैंने महावीर का वारिसदार कौन उसमें लिखा है, आज मैं किसी को कहता हूं कहीं पर भी बाहर जाता हूं तो लोग पूछते, कहीं कोई ऑफर करते हैं, वो तो करेंगे, उसके चिकन लेंगे या फिश लेंगे, मछली खाएंगे या मुर्गा खाएंगे। अब वो नहीं पूछेंगे तो एयर होस्टेस तो पूछेगी नहीं, तुम उनके साथ में झगड़ा करने जाओगे? विमान में जो भी एयर होस्टेस आती है पहले ये पूछती है, चिकन या फिश जो भी उसके पास में होगा, अंडे लोगे? झगड़े नहीं करते। मगर जिनके साथ भी चर्चा होती है, मैं उनको ये कहता हूं, मैंने तो बचपन से चखा नहीं है, और मैंने तो आलू प्याज भी नहीं चखा बचपन से, और आज जो मैं ये उनके सामने बोल पाता हूं कि बचपन से नहीं चखा, अब बचपन में तो पता ही नहीं था, अब 14 साल के तक तो वो पता ही नहीं है कि क्या होता है आलू प्याज, उसमें कितना कितना दोष लगता है। यदि माता पिता ने बचपन में ही आलू खिला दिया होता तो आज तुम कैसे कहते कि मैंने बचपन से चखा नहीं है? इसलिए अहो उपकार है आज जो ये वाक्य निकलता है, वरना वो जन्म से लेकर के अब तक का वो नित्यता का वो जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड टूट जाता, खत्म हो जाता कि मैंने बचपन से अभक्ष भक्षण ऐसा नहीं किया। तो उन माता पिता के घर में भी जन्म लेना ये महापुण्य का उदय है। बचपन से कोई बुरे व्यसन नहीं है, नहीं तो घर में ही शराबी हो, घर में ही तंबाकू खाने वाले हो,
गुटखा खाने वाले हो, गुटखा कोई कान खाने की चीज है? गुटखा सिर्फ बीच का ट हटा दो, वो खाने की चीज है? बचपन से उसी प्रकार के ये महापुण्य के उदय में ऐसी दीपावली मनाने का हे चैतन्य परमात्मा हमें अवसर मिला है। इस अवसर को गवाए बिना तू कैसे भी करके ऐसी अलौकिक दीपावली मना ले। इस अवसर का चारों ओर जो तैयार हुआ है ये माहौल, उसे तैयार कर। जब उमराला में प्रतिष्ठा हुई तो बा बापूजी को मैंने भगवान के माता पिता बनाया, वो खुश हुए, बहुत खुश हुए कि भगवान के माता पिता बने, भगवान के माता पिता बने। उनको भगवान के माता पिता नहीं बनाया, उस बहाने मैंने अपने को भगवान बनाया, क्योंकि उनका बेटा मैं हो गया ना भगवान। उस निमित्त से भी जीवन भर उनके अंतर में आचरण बदले, संयमित जीवन आए, उन्हें भी स्मरण रहे कि भगवान के माता पिता होकर के ये पाप ये तो हमसे नहीं होगा। कैसे भी करके हम उन वृत्तियों से बचे और फिर साथ साथ में ये भेद ज्ञान चलता रहे, तो फिर बाहर और भीतर ये दोनों से फिर आकाश में विचरण होगा। भीतर में होगा चैतन्य के चिंतन की धारा निश्चय, और फिर बाहर में होगा व्यवहार। ये दोनों से ही फिर आकाश में उड़ान होगी, क्योंकि पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता। ये जो चिड़िया, उसकी एक पंख तो बिल्कुल ठीक थी, दूसरी ठीक नहीं थी, दूसरी घायल हो गई थी, और पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता, दोनों पंख चाहिए। और ये चैतन्य के गगन में उड़ने के लिए निश्चय व्यवहार दोनों चाहिए। निरंतर नित्यता बनी रहे इस चैतन्य के चिंतन की धारा में, हे ज्ञान दीपक, आज दीपावली के निमित्त से मैंने आपको ये बोध देने का भाव आया कि चिड़िया का स्मरण हो रहा था, उसकी शक्ति का विचार चल रहा था कि उसमें भी कितनी शक्ति है। वो तो देव हो गया है, स्वर्ग में देव बन गया, वो चिड़िया नहीं है, वह चैतन्य है। अभी वो परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी सुनेगा, जो अधूरा है वह उसका पूरा होगा। उसकी यात्रा अब आगे की ओर हुई, उसने एक और सीढ़ी पर पैर रख दिया, उसके लिए अब मंदिर दूर नहीं है, वो मंदिर की ओर गई। उसके जीवन में वो सीढ़ी थी, और हमारे जीवन में भी सीढ़ी मिलती है बहुत, और यदि न मिले, पत्थर भी बीच में आए तो पत्थर को भी सीढ़ी बना देना और ऊपर यात्रा कर लेना। भेद ज्ञान के अभ्यास से कल नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, दो दिन और है, दो दिन का शिविर है, और जैसे मैंने कहा, दो दिन के बाद में फिर हम एक अपूर्व ऐसे ज्ञान दीपकों के साथ में, जो भी ज्ञान दीपक बहुत दीवाने हो वो मुझे ईमेल भेजे, संदेश भेजे, मोटा भाई को भेजे, उनके बारे में सोचूंगा, उनको साथ में रख करके, जहां 12 घंटे 14 घंटे यही धारा चिंतन की, चैतन्य 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 चैतन्य, जो बिल्कुल बस कुछ काम के जो नहीं है, उनके लिए ये मार्ग है।
बहुत काम जिनको है उनके लिए नहीं है, जो निकम्मा हो गया, निकम्मा माने बिना काम का, न घर चलाना है न गृहस्थी चलानी है, ये निकम्मा शब्द ज्ञानियों के लिए उपयोग किया है। ज्ञानी माने निकम्मा, जिसके अंदर अब कर्म का भाव नहीं रहा, कर्म न रहा, जो निकम्मा हो गया। परमात्मा माने निकम्मा, परमात्मा लुच्चा है, हैं लुच्चा, हाँ लुच्चा है। इस दुनिया में लुच्चे से लुच्चा कोई हो तो परमात्मा है। लोचन से शब्द बना लुच्चा, लोचन का अर्थ है देखने वाला, जो मात्र देखते रहते हैं, जो मात्र दृष्टा है वही तो लुच्चा है। लोचन से जो देखते रहते उससे वो लुच्चा शब्द बना। ये तो हमने बुरे अर्थ में लुच्चे का अर्थ ले लिया, इसलिए हमें वो अर्थ बहुत खतरनाक लगता है। परमात्मा पाखंडी है, पाखंडी से, परमात्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई पाखंडी नहीं है। जिसने समस्त पापों का खंडन कर दिया है वो पाखंडी है, बिल्कुल जड़ मूल से खंडन कर दिया। ऐसे बहुत से शब्द भक्तामर स्तोत्र में है, स्वयंभू स्तोत्र में है, देवागम स्तोत्र में है, मगर वो पढ़ने का समय कहां मिले, दुकानदारी कौन करेगा, किट्टी पार्टी कौन करेगा। धन्य भागी हो ज्ञान दीपक, जब भी मौका मिलता है मैं इन जिन जिन के चेहरे देखता हूं, कौन कौन का अभी नहीं देखता हूं, देखो तुरंत अभी चालू टक 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 टक, हाँ दर्शन दाता देव है, आगम सम्य ज्ञान, गुरु चारित्र की खानी है, ये सब ये देखो 12 नंबर का ज्ञान दीपक, ये कौन कौन से नंबर का ज्ञान दीपक है, ये 19 नंबर का ज्ञान दीपक, 56 नंबर का ज्ञान दीपक, नाम बोलता हूं ना जैसे कौन कौन का कैमरा बंद है अभी, और 4 के नाम बोलो ना तो 14 के कैमरे चालू होते, ऐसा स्कूल में होता था। स्कूल में ऐसा ही होता था, जब एक लड़का होमवर्क लेकर के नहीं आता, और उसकी पिटाई होती तो बाकी सब होमवर्क लेकर, हमारे घर में ऐसा होता था, जब कोई एक नहीं पढ़ता है और बापूजी आए और देखा तो जोर से चाटा मारा, चाटा मारते ही हमारे सभी के हाथ में किताब होती, हमको तो कुछ भी नहीं किया था, मगर बहुत सी बातें सुनकर के नहीं देख करके सीखने को मिलती है। इसलिए भगवान आत्मा को सुना नहीं, देखा, और मुझे भी आपको देख करके बहुत भाव आते हैं, बहुत भाव आते हैं। इस निमित्त से भी हमारा मिलना होता है, कितने हजारों किलोमीटर की दूरी होने पर भी देश में परदेश में एक दूसरे से मिल पाते हैं, ये भी इस कली काल में उत्तम मंगल, ये एक सु अवसर है, उत्तम निमित्त है। मुझे कल सुबह अपन मिलेंगे सत्संग के लिए 9:42 पर, वो अपना नियम जो है वो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कल काले बेस्तु वर्ष है ना, એટલે બધા એક બીજાને બોલો સાલમુ બારક વો કરને કે લિયે આયેંગે, સાલમુ બારક સોરી સાલમુ બારક,
तो एक दूसरे को साल मुबारक करते, यहां गुजरात में तो घर घर जाते हैं, एक दूसरे के घर पर जाकर के साल मुबारक। क्या साल मुबारक, नया साल शुरू हुआ कहां, कल अपना नया साल शुरू होगा। एक अपूर्व सत्संग नए वर्ष पर कल होगा, हम सत्संग करेंगे। तीनों टाइम का डोज समय पर आपने लिया है। 142 जितने साधक ऐसे हैं प्रत्यक्ष परोक्ष मिला करके, जिनको मैं नियमित रूप से सत्संग सुनता हुआ देखता हूं तीनों टाइम पर, उनकी भी अटेंडेंस ली है पूरा, यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो भी अटेंडेंस लेते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल नित्यक्रम मैं तैयार करना चाहता हूं। जिनका इतना समर्पण है उनके लिए, जो जितने भी प्रवचन हुए ना, उन प्रवचनों में जहां पर भी मैंने आपको बोला हो कि इसका प्रयोग ऐसे करना, तो उतने टुकड़े को प्रवचन में से, सिर्फ उतने टुकड़े को जो प्रयोग का, उसको अलग किया और उसका पूरा सेटअप करके ऐसी छोटी छोटी क्लिप बनाना, और उस क्लिप को ही फिर ऐसे जीवों को, ऐसे साधकों को सुनना जो उनकी दशा के अनुरूप होगा। वह भी मैं करूंगा, समय मिलेगा आपके लिए वह करके ऑनलाइन यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। उनकी अलग से प्रयोग की प्लेलिस्ट बनेगी कि एक ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे कि पूरा का पूरा प्रवचन सब एक साथ में आ जाएगा, प्रयोग का पूरे के पूरे प्रयोग एक साथ में आएंगे। जैसे ही समय मिलेगा और इंटरनेट मिलेगा, मैं आपको वो सब पूरा खजाना भेजूंगा। आप समस्त परमात्माओं ने इतने विनयवान होकर के सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मैं आप समस्त परमात्माओं को, जीवंत चैतन्य ज्योति को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार। Thank you.